नमस्कार, आज मैं भेज गलावटी कबाब की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने एक कटोरी राजमा को लेकर के इसे 6-8 घंटा पानी में पहले भिगो दिए थे। ये भिगोया हुआ राजमा है। सबसे पहले राजमा को कुकर में डाल देते हैं। कुकर में डालने के बाद अब इसमें हम 1 गिलास पानी को डाल देते हैं और लगभग आधा छोटा चम्मच अभी नमक को डालते हैं। बाद में तो नमक डालना ही है। और इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर का ढक्कन को लगा करके 1 सीटी तेज आंच पे और 6-8 मिनट धीमी आंच पे इसे हम पका लेते हैं। 1 सीटी तेज आंच पे और 6-8 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, अब इसे हम इसमें इसका पानी को निकाल देते हैं। राजमा अच्छी तरह से पक गया है और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। राजमा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और राजमा को बिना पानी डाले हुए ही इसे हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इस तरह से इसे हम पीस कर तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। राजमा को एक बॉल में निकाल लिए हैं, अब इधर फिर से मिक्सी के जार में एक मीडियम साइज का प्याज को लेकर के इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, उसे डाल देते हैं। और 8-10 काजू का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, 2 इलायची, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, ये थोड़ा सा केसर को लेकर के पहले ही इसे हम पानी में भिगो कर रख देते हैं, उसे डाल देते हैं और इसे भी हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से इसे भी हम पीस लिए हैं, अब इन सभी चीजों को भी निकाल करके राजमा में डाल देते हैं। इसे डालने के बाद अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच घी, नमक स्वाद अनुसार, गुलाब जल 1 बड़ा चम्मच, और 2 बड़ा चम्मच बेसन को डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं और इसमें से एक लोई को निकाल लेते हैं और इसे पहले हम इस तरह से गोल कर लेते हैं। गोल करके इसे हम इस तरह से हाथ से दबा देते हैं। इसी तरह से सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। इधर गैस ऑन करके फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं और फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल को डाल दिए हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब गैस का फ्लेम को लो कर दिए हैं और एक एक नाश्ता को इसमें हम डालते जाएंगे। डालने के बाद इसे नीचे की ओर से पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है जिससे कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए।
एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम आहिस्ता पलट देते हैं और सभी ओर से अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। सभी ओर से अच्छी तरह से तला गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। कबाब को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।